नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आपको जैसा कि पता है कि हम इसमें हमेशा कोई ना कोई नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते ही रहते हैं और पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने 10th की हुई है या आपने 12th किया हुआ है ना, और आप टाइपिंग करते हैं, यानी कि आप ऑफिस असिस्टेंट है ना, ऑफिस असिस्टेंट, क्योंकि दो पोस्ट खुली हुई है, एक ऑफिस असिस्टेंट की और एक डीईओ। डीईओ का मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो अब ये कहाँ खुली है, तो ये है मेरी कंपनी का नाम, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, सरकारी, एक मिनी रत्न कंपनी, सरकारी कंपनी, यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में इसे कहते हैं BECIL, ठीक है। तो अभी जो पोस्ट खुली है, ये मैं पहले आपको बता दूं कि ये वैकेंसी का नंबर ये है, सामने आपको दिख रहा होगा 131, इसी नाम से आपको वहाँ भी मिल जाएगा, साइट पे भी दिखा दूंगा लगेगा तो। और ये पूरी तरीके से जो जॉब है आपकी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब भाई ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब से होती है, और मतलब समझिए संविदा बेस पे। अगर आपको काम बहुत अच्छा लगा तो फिर आपको परमानेंट भी करेंगे या फिर आपकी एक सर्विस एक्सटेंड भी करेंगे। जॉब कहाँ लगेगी सर, जॉब आपकी लगेगी ये जो है ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब समझ जाओ कि दिल्ली जाना है आपको, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, मैंने ये कई बार अपने वीडियो में कहा है कि अगर आप आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हैं सिर्फ, और आपको सिर्फ इससे मतलब है कि मैं अपनी चीज़ें खुद अर्जित करूं, किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, तो फिर आप इसमें ये सब नहीं देखेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल है या टेम्प्रेरी की परमानेंट की क्या है। आपको इससे मतलब है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है फिलहाल के लिए। अगर आपके सामने कोई चीज़ ना हो ना, और अगर यही एक चीज़ हो, तो हमेशा याद रखिए एक स्टेप आगे बढ़िए, रूढ़िवादी मत बनिए कि कोई परमानेंट जॉब की आप तलाश में। देखिए, जिसको बनना होता है ना, वो किन्हीं भी हालातों में बन सकता है। अब इसमें हालात मैं आपको समझाता हूँ कि हालात क्या है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ऑटो रिक्शा वाले का बेटा ही IAS बनता है तो उसके हालात ऐसे थे तो बन गया है, या ये जो भी है ना, या कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उसके बहुत बहुत सारे पैसे हैं तो वो आराम से एक कमरे में बैठ करके पढ़ रहा है तो उसके हालात बहुत अच्छे हैं इसलिए वो पढ़ गए। हालात मतलब मैं समझाता हूँ आपको, हालात ऐसा होता है कि कोई भी हालात, इनकेस अगर आप जॉब भी कर रहे हो और आपका सपना वो नहीं है, है ना, आपका सपना ये जॉब नहीं है जो आप कर रहे हैं, आपका सपना कुछ और बनना है, लेकिन इसकी ज़रूरत भी है, नीड ऑफ द आर भी है कि भाई मैं बेरोजगार भी नहीं रहना चाहता, तानों से भी बचना है, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई एक लड़के की ज़िंदगी में, एक बंदे, अब आज लड़का ही क्यों बोलूँ मैं, एक लड़की की भी ज़िंदगी में सेम चीज़ हो गई है, उसे भी टेंशन रहती है भैया कि शादी है, ये है, वह है, बड़े हुए नहीं, और घर वाले प्रेशर करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब, हालात जो भी हो, आप एक चीज़ ऐसे पकड़ करके तो आप कुछ भी करके दूसरी चीज़ अपने हासिल कर सकते हैं, तो इसलिए आप ये सब नहीं सोचेंगे। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट के बारे में बताता हूँ, अभी तो मैंने आपको कुछ ज्ञान दिया है जो काम आएगा आपके। तो कितनी कितनी पोस्ट है वो समझ लीजिए। देखिए, एक है ऑफिस असिस्टेंट की, इसकी 200 पोस्ट दिख रही है, एज आपको दिख गया होगा 21 से 45, मतलब बहुत है, बहुत है भाई। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो 178 के आसपास है। अब बात है कि ये दोनों की दोनों जॉब ऐसी है जिसमें आपको टाइपिंग तो चाहिए है ना, टाइपिंग चाहिए, तो टाइपिंग टेस्ट तो ये लेंगे ही लेंगे आपका, बस वही यहाँ पे आप देखने वाले हो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ऑफिस असिस्टेंट और इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में अंतर इतना है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा, अब आप चाहे कैसे भी ग्रेजुएट हो ना, BA, BCom, whatever, ठीक है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th चाहिए, और अगर ग्रेजुएट हो तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेसिक जो चाहिए वो होता है 12th। ग्रेजुएशन नहीं भी है या रनिंग में है तो आप इसको भर सकते हो, है ना, रनिंग वाले तो खैर इसको भी भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले जो अपीयरिंग स्टूडेंट है फाइनल ईयर में है, उनको अपनी डिग्री शो करनी पड़ती है, और ये मुमकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से देखना है इसको। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा रिटन टेस्ट होगा भैया, ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या होगा, उसमें एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी आ जाएगी, थोड़ी सी राइटिंग, बहुत बेसिक बेसिक आएगा, ज़्यादा पढ़ के मत चले जाना, नहीं तो वहाँ भी पछताओगे, यार इतना पढ़ रहा था, एक ही टॉपिक को मत घसीटते रहना। क्या है कि आप लोग यूट्यूब पे भी अगर सर्च मारते हो ना कोई टॉपिक, तो फिर आप सोचते हो यार इसको बिल्कुल PhD लेवल का कौन पढ़ा रहा है, वो सर्च मारूंगा। आप देखते हो व्यूज़ की किसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, वो ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्या होता है ना, व्यूज़ वगैरह ये सब खेल जो होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े आदमी के होते हैं, जिसके पास बहुत पैसे हैं भैया, वो 2 मिनट में अपने 10,000 बंदे, 20,000 बंदे खड़े कर देगा,
गए, एक आदमी को 100 रुपये दे दूँ मैं अगर, ले भाई व्यू बढ़ा, क्या है? तो ये सब चीज़ से आपको उसको नहीं देखना चाहिए, समझ गए, है ना? आप किसी को भी सुनिए, 4 से 5 मिनट सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है कि नहीं है, ठीक है? व्यूज से जज मत करिए, व्यूज तो भैया ऐसा खरीदे जा सकते हैं, आज की दुनिया में क्या नहीं खरीदा जा सकता, जिसके पास पैसे हैं वो सब खरीद सकता है, समझ गए आप, है ना? तो मैं आपको देखिए पूरी हकीकत के साथ यहाँ पर काम जो है पूरा होगा, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आप बताया आपको, रिटन टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा जो हर जगह है, हर जगह है, नया नहीं है आपको बताना, है ना, वो ये है। फिर दोस्तों इसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। अब इसमें बनी बात है आपकी, आप MS ऑफिस में कैसे काम करते हो, वर्ड एक्सेल एक्सेल में कैसे काम करते हो, पावर पॉइंट में कैसे काम करते हो, इसको देखा जाएगा, इसका एक टेस्ट होगा आपका, ठीक है? तो पावर पॉइंट वगैरह ये सब थोड़ा सा देख लेना, सीख लेना खुद ही वो करके, थोड़ा सा यूट्यूब से सीखते हुए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। थर्ड पॉइंट दोस्तों कि अब जितने भी ये तो हो गए भाई कि कंप्यूटर टेस्ट हो गया, हमने ऑब्जेक्टिव ले लिया, अब बचा हमारा डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव बोल रहा हूँ, अब बचा हमारा टाइपिंग। तो देखिए अगर आप इंग्लिश, दो ऑप्शन है, या तो आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे या तो आप इंग्लिश में करेंगे। अगर हिंदी में किया तो 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दिखानी पड़ेगी, और अगर इंग्लिश में किया तो 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दिखानी पड़ेगी, है ना? दो फेज़ में होंगे, यानी 2 बार आपका ये टेस्ट होगा। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, या तो आप सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश ही टाइप करेंगे, दो फेज़ अगर होंगे तो दोनों में आप इंग्लिश इंग्लिश ही करेंगे, और अगर हिंदी कर रहे हो तो दोनों फेज़ में आप हिंदी हिंदी करोगे, है ना? बस इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट देने पड़ते हैं और हिंदी में 30 वर्ड्स, ठीक है? अब फाइनल सिलेक्शन जो है दोस्तों वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसके बाद ना पर्सनल इंटरेक्शन होगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद होगा। तो ये तो था ऑफिस असिस्टेंट के लिए, 200 पोस्ट, एज वही है, 21 से 45 मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत सिंपल है, इंग्लिश के वही है भैया, इसमें भी होगा। इसमें तो सिर्फ आपका 12th है, और इसके बाद सीधे आपका ये टाइपिंग टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? और हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट, और ये भी दो फेज़ में होगा, यानी 2 बार आपको करना होगा, ठीक है? सैलरी वगैरह दोस्तों इनने यहाँ पर कोई डिस्क्लोज नहीं किया, इनने सीधे बोल दिया कि जो सैलरी होगी एज़ पर द मिनिमम वेजेस रेट्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जो मिनिमम वेजेस रेट होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के फॉर 10+2 एंड ग्रेजुएट्स, वो आपको दे दिया जाएगा, है ना? मतलब कुछ धांधली वाली नहीं होगी, जो जहाँ ये लिख दिया जाए ना वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। एज़ पर द मिनिमम वेजेस रेट्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स, ठीक है? ग्रेजुएट्स को जो मिलता है दिल्ली गवर्नमेंट में वो आपको दे दिया जाएगा। अब एक चीज़ अब कुछ और समझ लीजिए कि भाई कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं देंगे, ये कि आप बाहर से आ रहे हो यहाँ तो हम आपको आपका रिएम्बर्स कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर मामला। तो ये सब के लिए जाना भी नहीं, पूरी तरीके से फॉर्म ऑनलाइन है, फीस भी ऑनलाइन है, और एक से ज़्यादा पोस्ट मान लो किसी को ऑफिस असिस्टेंट और DEO दोनों के लिए भरना है, तो फिर दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है, ऑनलाइन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही रहेगा, बस आप चूज़ कर सकते हो, जैसे नहीं होता टिक करने के लिए कि मैं असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, टिक कर दिए, और DEO के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, टिक कर दिया, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, फीस बढ़ जाएगी बस, ठीक है? एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वहाँ ऑप्शन रहेगा कि मैं इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो बस आपकी फीस बढ़ जाएगी। मान लो इसके लिए होगी 500, तो जितनी पोस्ट आप लगाते चले जाएंगे उसके लिए फिर और जाएगी 500, दो तो हैंगे यहाँ पे, तो 500 500 1000 हो जाएगी आपकी फीस, और कुछ नहीं। तो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नहीं कि अलग अलग फॉर्म मत भर देना, है ना, डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको, ठीक है? चलिए, और ये वो साइट है दोस्तों ये जिसपे आप क्लिक करके जा सकते हो वहाँ पर, ठीक? और मैं सब बता दूँ आपको कि सारे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, फ़ोटो वगैरह, वो 100 KB के आसपास रख लेना, जो कि आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है? अपलोड करना और ईमेल करना पड़ेगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है? मेल भी करना पड़ेगा उनको। चलिए भाई आगे बता देता हूँ मैं आपको, और कोई भी क्वेरी हो जाए तो ये है भैया, ये या तो आप इस पे कॉल कर लो सीधे, उठा लें तो बहुत बड़ी बात है ना, ये खुद भी भागते हैं उठाने से। अब देखिए लास्ट डेट सबमिशन की जो है वो है 25 अप्रैल, तो उससे पहले पहले आपको इसे अप्लाई कर देना है, ठीक है? और ये कुछ हैं तरीके जो बताए इन्होंने कि भाई कैसे अप्लाई करना है आपको, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है ना? और भाई रजिस्ट्रेशन से पहले, अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को एडवाइस कर रहे हैं ये कि अपनी फ़ोटो रखिए, सिग्नेचर रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट जिसे कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकी स्कैंड इमेजेस, अपलोड द फाइल साइज शुड बी नॉट मोर देन 100 KB, 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो रजिस्ट्रेशन वंस ओनली होगा, लेकिन फी चार्जेबल विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पोस्ट, तो नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से आपके चार्ज जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है? आपको वैलिड ईमेल आईडी देनी है, क्योंकि इसी के सहारे सब कुछ होना है, ठीक है? तो इसका भी ध्यान रखेंगे।
कैंडिडेट्स भाई रिक्वायर्ड हैं कि इस पर चले जाएं, इस पर चले जाएं, ये देख रहे हैं आपको, ये वही वही चीजें दो साइड दे दी। मान लो ये काम नहीं करे तो आप इसमें जा करके अपना कर सकते हो, ठीक है। कैरियर में चले जाना, बस वहाँ जा करके कुछ सब मिल जाएगा। कैरियर ये ऑप्शन ध्यान रख लो, इसको जैसे ही क्लिक करोगे ना आपको ये वाला तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ रजिस्ट्रेशन के 7 स्टेप्स हैं, उनको देख लीजिए। पहली स्टेप क्या है, सिलेक्ट एडवर्टीजमेंट नंबर, मतलब सबसे पहला स्टेप है भाई कि जहाँ पे 131 लिखा हो एडवर्टीजमेंट के आगे वो वाला आपको भरना है। उसमें अपने फिर अब जब वो फॉर्म खुल जाएगा तो बस तुरंत ही बेसिक डिटेल उसमें भर देना, एजुकेशनल डिटेल अपनी भर देना, वर्क एक्सपीरियंस अपनी फोटो अपलोड कर देना, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, टेंथ सर्ट जो भी है, एप्लीकेशन प्रीव्यू मॉडिफाई, पेमेंट ऑनलाइन ही होगी, क्रेडिट डेबिट या जो भी है, नेट बैंकिंग या UPI से, है ना। और ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आ जाता है, आपको ईमेल करना है ना। ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल आईडी मेंशन्ड इन द लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो सबसे लास्ट में आपको एक ईमेल दिखेगा, ठीक है। उसी ईमेल पे अपने फोटो ये भेज देना भैया, ये स्टेप भूलना मत, 7th स्टेप, ठीक है। मालूम चला आपने फॉर्म भर दिया और आपको लगा हो गया काम, नहीं नहीं 7th स्टेप करना है आपको, अपने स्कैंड डॉक्यूमेंट्स, अब उसमें सब आते हैं, 10th के, ग्रेजुएशन के, सब जितने भी हैं, ठीक है, सब भेज देना वहाँ पर। टाइपिंग की है, उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी भेज दिया, 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, है ना। PDF भी चलेगी, JPG भी चलेगा फॉर्मेट तो, ठीक है। और ये रहा भैया फीस, देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के लिए 750 है। अब आप 500 रुपये एक्स्ट्रा भरेंगे अगर आपने एडिशनल पोस्ट अप्लाई की तो, है ना, मतलब इसी में 500 बढ़ जाएंगे, 750 नॉर्मल है। OBC के लिए भी 750 है, SST के लिए 450 है, ठीक है, इनके लिए 300-300 बढ़ेंगे। एक्स सर्विस मैन के लिए 750 है, 500 बढ़ेंगे इनके भी। वुमेन के लिए भी 750 है, और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और फिजिकली हैंडीकेप के लिए 450 रुपये है, ठीक है। और एक ये बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन देर विल, अब देखो भरने से पूरा जब भर जाओ तो फाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू अवेलेबल है, प्रीव्यू अवेलेबल है तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए बस इतनी सी जानकारी थी जो आपको मुझे देनी थी, कि जैसा भी लगा वीडियो, कहीं कोई डाउट रह जाए तो मुझसे तुरंत पूछ लीजिए इसमें, ठीक है। हालांकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ भी इसमें और बताने के लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मुझसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि इसको सब्सक्राइब करके रखो और साथ में बेल आइकन दबाओ। बेल आइकन मैंने कई बार बोला है कि एक ऐसा फीचर है जो यूट्यूब ने व्यूअर्स को दिया है, कि भाई अगर किसी चैनल के वीडियो आपको बहुत पसंद है और आप नहीं चाहते कि उसका कोई भी वीडियो मुझसे मिस हो जाए, तो ये जैसा कि ये है ना, ये आपका मोबाइल, मोबाइल के यहाँ यहाँ पर शुरू में ही टन से घंटी बजेगी, वीडियो आ गया, क्या लिखा होगा, एक न्यू वीडियो आया डिस्कशन विद मनोज से, ऐसा करके, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, इसीलिए बेल आइकन दिया गया है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके आप मेरे बाकी वीडियोस, क्या है जैसे आप यूट्यूब खोलोगे ना, सब्सक्राइब चैनल के यही अच्छी बात होती है, क्योंकि सारे वीडियोस ऐसे कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, तो आपको कोई काम का हुआ तो बस हो गया, उसको आपने देख लिया और भर दिया, ठीक है। और मैंने वैसे ही बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है, तो आप उनको भी सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं, ठीक है। यही कहती सरकार, दूरदर्शन में भी यही सबसे पहले बोला जाता है। चलिए, बाय बाय।